हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है, ओवर वॉलेट में टेस्टनेट ओपन हो चुका है। ओवर वॉलेट का टेस्टनेट ओपन होने से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है पहले मैं वो आपको बता दूँ, इसके बाद इसका सोल्यूशन कैसे है ये सारी वीडियो में आज मैं यही कवर करने वाला हूँ। जो भी प्रॉब्लम है आपके ओवर वॉलेट में, जो भी प्रॉब्लम है आज इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आप लोगों ने अपडेट किया, वॉलेट क्रिएट किया, उसके बाद आपने कॉइन भी क्लेम कर लिया, बट आपकी कॉइन शो नहीं कर रही है, तो आप स्टेकिंग कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि ओवर वॉलेट में बहुत सारा लोडेड है या फिर बग है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओवर प्रोटोकॉल की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि 15 तारीख को सबका ओवर वॉलेट सही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आज मैं ये सारी प्रॉब्लम का इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि माइनिंग से रिलेटिव और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर हम बताते हैं ओवर वॉलेट का सोल्यूशन। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे अपडेट, वॉलेट क्रिएट करना, उसके बाद स्टेकिंग या फिर ट्रांजेक्शन। जो न्यू यूज़र है वो लोग यहाँ से वीडियो को स्किप ना करें, और जो ओल्ड यूज़र हैं, जो लोग अपडेट कर चुके हैं या वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं और स्टेकिंग अभी नहीं लगाएं, वो लोग थोड़ा स्किप करके ये वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले अपडेट से, कि आप पहले अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, मैं यहाँ से वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। जो पुराने यूज़र हैं, जो वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं और कॉइन भी क्लेम कर चुके हैं, शो नहीं करें, वो लोग स्किप करके आगे की वीडियो देख लें, उन लोगों को कैसे कॉइन शो होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मिस मत करिए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन, ओवर वॉलेट की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना जीमेल ऐड करना है, जो जीमेल आपने ओवर वॉलेट में ऐड किया तो वही जीमेल यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके जीमेल पे एक लिंक जाएगा, उसके बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक क्रोम में ओपन होगी, उसके बाद क्रोम से आप वेरीफाई करके फिर बैक आप एप्लीकेशन में आ जाएँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ क्रिएट योर पासकोड, तो आपको यहाँ 4 डिजिट का कोई भी अंक हो, 4 डिजिट का हो, बस ये शर्त हो कि 1 1 1 4 बार यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट होना चाहिए, 4 अंक डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ अपना रियल नेम ऐड करना है, जो भी आपका रियल नेम है, कोई ऐसा नेम मत डालिए क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है KYC, अगर KYC आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप अपना यहाँ रियल नेम डालिए। उसके बाद जब आप रियल नेम ऐड कर देंगे, उसके बाद जब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सेट रिकवरी की, मतलब आपको यहाँ पासवर्ड ऐड करना है, बट यहाँ पासवर्ड बहुत टफ होता है। तो आपको क्या करना है, 4-5 लेटर अपने नाम का कैपिटल में, उसके बाद एक सिंबल, एक स्पेशल लेटर ले लीजिए, सिंबल हो किसी चीज़ का, आयट हो गया या डॉलर का चिन्ह हो गया, फिर अदरवाइज़ कोई भी। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 नंबर ऐड कर देना है, तो मैक्सिमम 8 नंबर का होना चाहिए। उसके बाद आप यहां सेट रिकवरी की को जब आप ऐड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो वही सेम की जो आपने पासवर्ड बनाया है, वही सेम की यहाँ पर ऐड करना है। फर्स्ट में यहाँ कन्फर्म करना है, तो कंफर्म के लिए आपको फर्स्ट पे, सेकंड पे भी, दोनों पे वही आपको ऐड कर देना है। जब आप उस पर ऐड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो फाइनली आपका यहाँ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, वॉलेट अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे सब कुछ ओके हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू आर गॉटेड गिफ्ट, इस पर क्लेम करना है, उसके बाद ग्रैब डेली ग्रांट, इस पर क्लिक करना है। तो ये सब आपको टोकन दिया जा रहा है टेस्टनेट का, ट्रांजेक्शन का या स्टेकिंग का, क्योंकि इसमें स्टेकिंग करना है आपको ज़रूरी है, ट्रांजेक्शन आपको ज़रूरी है। तो इसमें आप इसको क्लेम करेंगे बट आपको कॉइन मिलेगी नहीं। मैं क्लेम किया, देखिए मुझे रिवार्ड भी जनरेट यहाँ हो गया, बट ओवर वॉलेट का जो टोकन है वो मेरा शो नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ओवर वॉलेट इज़ ओवरलोडेड, ट्राई अगेन लेटर। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्राई करते ही रहेंगे, इसका समाधान नहीं है। तो मैं बताने वाला हूँ इसका समाधान क्या है। इसका बस एक ही समाधान है, आप जाइए एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद
फिर से आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, उसके बाद सेम प्रोसेस, बस आपको क्या करना है, जीमेल अपना ऐड करना, पासवर्ड की जो आपने बनाया था वो ऐड करना है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनली अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो टोकन आपने क्लेम किया था वो शो करने लगेगा। अब बात करते हैं इसमें जो स्टेकिंग का और ट्रांजेक्शन का, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टेकिंग की तरफ चलते हैं। आपको स्टेकिंग पर क्लिक करना है। जब आप स्टेकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। एक पाम स्टेकिंग है, एक होम स्टेकिंग है। तो होम तो है पीसी के लिए, आप लोग तो जानते हैं, तो पाम स्टेकिंग ये हम लोगों के लिए जो मोबाइल यूज़र हैं। तो पाम स्टेकिंग ये कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। तो आपको क्या करना है, पाम स्टेकिंग देख रहे हैं, आपको स्टेक पर क्लिक करना है। जब आप स्टेक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ अपनी कॉइन को स्टेकिंग पर लगाना है, लेकिन स्टेकिंग पे आप पूरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉइन को आधा ही स्टेक पर लगाएं, क्योंकि ट्रांजेक्शन भी करना है, टेस्टनेट चल रहा है तो इसमें आपको ट्रांजेक्शन भी करना है। तो आपके पास जितनी भी कॉइन है उसकी आधी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आगे का ऑप्शन आपको स्लाइड करना है, तो आपको गोइड पर क्लिक करना है। जब आप गोइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ स्लाइड कर देना है। जब आप स्लाइड कर देंगे तो आपकी स्टेकिंग शुरू हो जाएगी। जो स्टेकिंग से रिवार्ड मिलेगा वो तो आप स्टेकिंग से चेक कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप हिस्टोरी में आएँ, आपका स्टेकिंग शुरू हो गया है कि नहीं हो गया, तो आपको आ जाना है हिस्टोरी में। जब आप हिस्टोरी में आएंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि आपका जो भी स्टेकिंग पे लगा है वो इधर माइनस पे दिखाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने स्टेकिंग लगाया, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे शो करेगा, फीस, कितना टाइम, कितने बजे आपने स्टेकिंग किया, तो ये सब तो हो गया। अब इसका रिवार्ड जो आपको क्लेम करना है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको आ जाना है बैक स्टेक पे, आपको स्टेकिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपने स्टेकिंग पे लगाया है, जो भी अमाउंट है आपने स्टेकिंग पे लगाया, तो उससे जो रिवार्ड जनरेट हो रहा है वो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये हो गई पाम स्टेकिंग का। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ, बस इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करिए, लास्ट तक देखिए। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ, आप ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फिर आपको बैक आ जाना है असिस्ट पे। जब आप असिस्ट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जो भी अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको जो ओवर टोकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। सेंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी ओवर वॉलेट यूज़र, जो भी आपका फ्रेंड है उसका वॉलेट एड्रेस आप उससे मार्क कर आप यहां ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, आपको वहां दो तीन वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा, आप उसमें भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। टेस्टनेट में ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहां अपने फ्रेंड का या फिर किसी भी का ओवर वॉलेट यूज़र होना चाहिए, उसका वॉलेट यहाँ पर ऐड करना है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जितना भी टोकन आप सेंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद जब आप ऐड कर देंगे, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जितना भी अमाउंट है आपका रहेगा, जो भी फीस रहेगी आपकी, टोटल अमाउंट रहेगा, उसके बाद आपको साइड टू कंफर्म पर क्लिक करना है। जब आप साइड टू कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आपको हिस्टोरी में आ जाइए, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपना ट्रांजेक्शन। तो फाइनली आप इस तरह से ओवर वॉलेट का फुल प्रोसेस मैंने बताया, ओवर वॉलेट की जितनी भी प्रॉब्लम है मैंने आपको शेयर कर दी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि माइनिंग से रिलेटिव और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।